हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो सब्ज़ी बनाऊंगी वो है भिंडी की मसालेदार सब्ज़ी। इसके लिए मैंने थोड़े से भिंडी लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। ये खाने में बिल्कुल चिपचिपा रहित होता है, चिपचिपापन नहीं होता है। सबसे पहले मैं भिंडी को काटूंगी। देखिए किनारे जो है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा काटेंगे, इससे क्या होता है कि जो चिपचिपाहट होती है वो नहीं आती है। इसके किनारे को ज़्यादा काट के हम फेंक देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा काटना है और मैं बड़े बड़े टुकड़ों में से काटूंगी। देखिए इस प्रकार से काटना है। इसी प्रकार से हम सारे भिंडी को काट लेंगे। ये मैंने काट लिया है। इसमें डाले जाने वाली सामग्री इस प्रकार है। एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया है, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने लंबाई में काट लिया है। और एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, जिसे मैंने केवल चार टुकड़ों में काटा है। देखिए बड़े बड़े चार टुकड़े किए हैं। पाँच हरी मिर्च लिया है। मसाले मैंने इकट्ठे ले लिया। इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा पाउडर और छोटे चम्मच से आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है। हरा धनिया, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। नमक स्वाद अनुसार है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है। छोटे चम्मच से आधा चम्मच धनिया पाउडर है। थोड़ा सा अदरक है। 3 हरी मिर्च है, जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले मैं कढ़ाई में 2 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों का तेल डालूंगी। आप जो भी रिफाइंड खाते हो उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में बनाया है। तेल गर्म हो जाएगा तो मैं भिंडी इसमें डाल दूंगी। इसके बाद मैं छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक डालूंगी। नमक एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा नमक हमें मसालों में भी डालना पड़ेगा। नमक स्वाद अनुसार डालना है। थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और इसे तेज आंच पे ही भूनना है। हल्के भूरे रंग का हो जाए तब मैं इसे निकाल लूंगी। जैसे थोड़ा सा भिंडी जलना शुरू हो जाएगा तब मैं निकाल लूंगी। देख लीजिए, ये देखिए बिल्कुल हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब मैं इस तेल में जो हमने चार टुकड़े किए थे प्याज के, उसे डाल के 2 मिनट भूनूंगी। तेज आंच पे ही इसको भूनना है। इसको भी मैं बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। लहसुन डालूंगी। अदरक डालूंगी। इसको भूनूंगी। टमाटर डाल दूंगी। इसे भी तेज आंच पे 2 से 3 मिनट में भूनूंगी। तीन मिनट हो चुके, अब मैं इसे निकाल लूंगी और आधा कप पानी डाल के मिक्सी में पीस लूंगी। अब मैं कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालूंगी। इसमें पीसे हुए मसाले डाल दूंगी।
यहाँ पे मैंने गरम मसाले का प्रयोग नहीं किया है, इसमें ज़रूरत भी नहीं है गरम मसाले डालने की। मसाले डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा नमक डालूँगी। याद रहे कि पहले भी हमने नमक डाला था। हरी मिर्च डाल दूँगी। मसाले को भी हम तेज़ आंच पे ही भूनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब मैं आधा कप पानी डाल दूंगी। मसालों में उबाल आ जाएगा तब मैं भिंडी इसमें डाल दूंगी। उबाल आना शुरू हो गया है। आंच कम नहीं करना, आंच तेज ही रखना है। दो मिनट के लिए मैं ढक दूंगी। ये हमारी भिंडी की मसालेदार सब्जी तैयार है, जो बिल्कुल चिपचिपा रहित है। आप इस सब्जी को पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। अंत में मैं धनिया पत्ता डाल दूंगी, हरी मिर्च डाल दूंगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।